बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शहला। आज हम लगाएंगे साग को तड़का। साग को मैंने बॉईल करके रखा है। साग, पालक और मेथी, हरी मिर्चें डालकर इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। जब बॉईल हो चुका, उसके बाद मैंने इसमें एक से दो टेबलस्पून मकई का आटा डालकर घोटा लगा लिया। और अब हम लगाएँगे इसको तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून देसी घी, उसमें 1 छोटी प्याज डाल दी है मैंने। इसको हल्का सा फ्राई करूंगी, प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तीन से चार हरी मिर्चें, हरी मिर्चें मैंने बॉईल करते वक्त भी डाली थी। और अब ये जो साग मैंने बॉईल करके रखा था वो डाल दिया है इसमें, अच्छी तरह से मिक्स किया है। नमक मैंने बॉईल करते वक्त भी डाला था और अभी भी थोड़ी ज़रूरत थी, तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून क्रश्ड लाल मिर्चें डाल दी हैं इसमें, और ऊपर से डाला है मक्खन। और हमारा साग हो चुका है रेडी। आई होप आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।